होंडा टोयोटा नाम लेते ही आंखों के आगे गाड़ियों के चित्र दौड़ने लगते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनका मतलब क्या होता है? होंडा यानी धान का मुख्य खेत और टोयोटा यानी भरपूर फसल वाला धान का खेत, यही है धान का मान। ये विशाल जलराशि जो आप देख रहे हैं, गुलेरिया बांध है, इसे स्थानीय भाषा में बंधा कहा जाता है। बहुत ऐतिहासिक ये बांध है, इस मामले में कि पंडित लाल बहादुर शास्त्री ने इस बांध का उद्घाटन किया था और ये आखिरी परियोजना थी जिसका उन्होंने उद्घाटन किया था। इसके बाद वे ताशकंद चले गए थे और जैसा कि हम सब जानते हैं वे वहाँ से वापस नहीं लौटे। इस तरह से कई बांध इस पूरे क्षेत्र में हैं और सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराते हैं। यहाँ की ज़मीन वैसे भी बहुत उपजाऊ है क्योंकि ये गंगा का मैदान कहलाता है ये इलाका पूरा। यहाँ से लेकर आगे कुमाऊँ तक और मिर्ज़ापुर तक धान का क्षेत्र है। धान की कई सारी मिलें हैं यहाँ पर, एक तरह से कहिए कि जो चूड़ा बनता है उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े हिस्से को ये इलाका सुबह का नाश्ता उपलब्ध कराता है। धान से किसानों का प्यार किसी से छिपा नहीं है, इसे किसानों की जान भी कहा जाता है। ये बात भारत ही नहीं पूरे एशिया पर लागू होती है, खासकर जापान में। वहां धान भगवान की तरह पूजा जाता है। भारत में भी धान और चावल को हर शुभ काम की शुरुआत में इस्तेमाल करते हैं। पूजा में लगने वाले अक्षत से लेकर घर में प्रवेश करने वाली बहू तक, माथे पर लगने वाले टीके से लेकर घर से विदा होने वाली बेटी तक, चावल हर परंपरा का हिस्सा होता है। दरअसल धान महज फसल या अनाज भर नहीं है, बल्कि ये अपने आप में पूरी सांस्कृतिक विरासत है। हमने चावल को अक्षत कहा ही इसीलिए है, अक्षत यानी जो कभी खराब नहीं होता, और चावल जितना पुराना होता है उतना ही स्वादिष्ट होता है। इस स्वाद को और इसकी परंपरा को सहेजने का काम कर रहे हैं बाबूलाल दहिया। उन्होंने धान की 200 से ज्यादा देसी प्रजातियों को संभाल कर रखा है और एक बीज बैंक का निर्माण किया है जहां से किसानों को देसी धान के बीज उपलब्ध करवाए जाते हैं। उनके इस सराहनीय प्रयास के लिए राष्ट्रपति ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। ये पूरा एक तरह से बघेलखंड का खजाना यहां रखा है पिथौरागढ़ में आपके पास। जी जी जी। तो कितनी तरह की किस्में संभाल के रखी हैं? ये हम तो इसका नाम भी नहीं जानते। यहाँ 200 किस्मों की धाने हैं और इनमें सब में नाम लिखे हुए हैं। अच्छा, ये सारी धान है? जी, सब धान की किस्में हैं। हाँ। बाकी उधर गेहूं भी रखा हुआ, कुछ सब्जियां भी रखी हैं। जी। तो मुख्य रूप से ये जो हमारी धान है। हाँ। बाकी अनाजों की संख्या बहुत कम है। जी। इतनी नहीं है। जैसे मान लीजिए कोदो की मुश्किल से 4 किस्में हैं। कुटकी की 2-3 किस्में हैं। सामा की 2 किस्में हैं। लेकिन ये धान की सबसे अधिक किस्में हैं। धान की तो डॉक्टर राधेलाल बिछारिया हमारे मध्य प्रदेश के थे, जब संयुक्त मध्य प्रदेश था, तो उनने 22,800 प्रजातियां खोज के निकाली थी। लेकिन आज अब 800 भी नहीं बची छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में। स्थिति इतना कमी आई। ये भाल साकर है, बजरंगी है, करगा है, कोसम है, दूधी है, काला जीरा है, ये सब नाम है। गुण के अनुसार नाम किसानों ने रखा। ये सब किसानों के नाम दिए हुए हैं, हमारे नहीं हैं। अच्छा। ये सब किसानों के रखे हुए नाम है। जैसे मान लीजिए एक धान है गांजा कली। अब उसका गांजा कली नाम क्यों पड़ा होगा? इसलिए पड़ा
कि गांजा तो अब प्रतिबंधित है, पहले जब खूब होता था तो उसमें जो कली होती थी तो कली का जैसे सघन दाने उसमें लगते ना, तो ऐसे उसमें सघन दाने उसके बाल में आते थे, तो लीजिए उसका नाम रख दिया गांजा कली। एक भालू दुबराज होगी कहीं, काले रंग की है, कि इसमें जो है तो ये देखिए बाल में ये कांटे हैं, जैसे भालू के बाल होते हैं ऐसे इसमें वो हैं सेंकुर हैं, तो इसलिए इसका नाम उनने रख लिया भालू दुबराज। जैसे अपने यहाँ एक कहावत आपने सुना होगा बघेलखंड में कि धान बोबे करगी सुमर खाए न समझी, कहीं करगी धान होगी, तो वो ऐसा कहावत क्यों बनी, इसलिए बनी कि किसान ने करगी धान भी बोया होगा और नेवारी बोया रहा होगा। हाँ। अब सुअर आया तो करगी में एक दो मुंह मारा, जब मुंह में कांटे गड़े तो नेवारी तरफ चला गया तो पूरा खा लिया उसको। हाँ। तो जो किसान का अनुभव जनित ज्ञान था वो कहावत में ढल गया कि धान बोवे करगी सुअर खाए न समधी, अर्थात तो करगी धान बोइए न तो सुअर खाएगा न समधी, सुअर इसलिए नहीं खाएगा कि बाल में कांटे जैसे इसमें भालू दुबराज में करगा रखा है, और हाँ जी और वो इसलिए नहीं खाएगा समधी को इसलिए नहीं खिलाएंगे कि लाल चावल है। हाँ जी, समझी इसलिए नहीं खाएगा क्योंकि लाल चावल है जी। अब देखिए इसमें कांटे हैं ना, देखिए इसमें अब ये कांटे हैं, तो इसमें क्या होगा कि सुअर नहीं खाता इसको क्योंकि इस मुंह में उसके चूह जाएंगे, और समधी को इसलिए नहीं खिलाएंगे, अब इसको छीलिए इसमें लाल चावल निकलेगा तो समधी इसलिए नहीं खाएगा। अच्छा, कि उसको तो विष्णु भोग खिलाएंगे, इसको काहे को खिलाएं लाल चावल वाले को। द राइज ऑफ एशिया नाम की किताब में लिखा है, भविष्य में अगर एशियाई देश बड़ी ताकत बनते हैं तो इसमें तीन बातें अहम होंगी, और ये तीनों बातें भारत की देन हैं, एक रामायण, दूसरा बुद्ध और तीसरा चावल खाने की आदत। एक आंकड़े के मुताबिक दुनिया का हर तीसरा आदमी किसी न किसी रूप में धान खाता है, और इस धान का 80% उत्पादन एशिया में होता है। एशिया में धान ही एक ऐसी खेती है जो हर तरह की जलवायु में पैदा होती है, चाहे फिर नेपाल भूटान के हजारों फीट ऊंचे पहाड़ हो या फिर केरल में समुद्र तल से भी 10 फीट नीचे की जगह हो, धान हर जगह उग जाता है, और एशिया में भारत का धान उत्पादन में अहम स्थान रहा है। दरअसल भारत में परंपरा का निर्वाह भी चावल की किस्मों को बचाने और उनकी बीजों को संजोने के पीछे अहम वजह रही है। तो बहुत सारी हमारी जो परंपराएं हैं वो लाभदायक भी हैं। उसके कारण यह मान लीजिए वहाँ भगवान जगन्नाथ का कहते हैं कि वहाँ जो अटका चढ़ता है तो रोज़ एक नया चावल का चढ़ता है, वहाँ 12 महीना धान होती भी है, रोज़ बोएंगे रोज़ काटेंगे चढ़ाएंगे, उससे कम से कम 365 प्रजातियाँ वहाँ संरक्षित हैं उड़ीसा में। बिल्कुल। तो ये हमारी परंपराएं बहुत कुछ ऐसा भी काम करती हैं, संरक्षण का काम भी करती हैं। हमारे बहुत से त्यौहार, मान लीजिए कजलियों का त्यौहार या जवारे का, वो क्यों है, वो इसलिए है कि गाँव भर की जब कजलियाँ जाएंगी तो तालाब में या नदी में, तो उन्हें देख लिया, मान लीजिए आपके यहाँ की कजलियाँ हैं तो आपकी बढ़िया हैं, हमारे यहाँ की कजलियों में फफूंद लग गई तो हम जान गए कि हमारा बीज खराब है, तो हम क्या करेंगे कि आपसे ले लेंगे अपने वाले को ना बोएंगे। तो एक तरह से बीज परीक्षण था, उसका वैज्ञानिक कारण जो था तो बीज परीक्षण था, तो जो वैज्ञानिक कारण था वो पीछे हट गया, परंपरा आगे हो गई। धान को लेकर अलग अलग तरह के विचार हैं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ये पहले अन्य पौधों की तरह जंगलों में खुद ब खुद ही उग जाते थे, पर आज जो धान हम देख रहे हैं इसकी शुरुआत सदियों पहले उत्तरी हिमालय से हुई, यहीं से धान हमारे देश के अन्य हिस्सों और दुनिया भर में फैला। भारत भूमि से धान का रिश्ता अति प्राचीन है। झारखंड में राजमहल की पहाड़ियों में 37 जगह हुई खुदाई में धान के बीज मिले। इसके अलावा मुअन जोदारो सहित गुजरात के लोथल और रंगपुर में ईसा से 2000 साल पहले धान मिला था। वहीं कुछ विशेषज्ञ इसकी उत्पत्ति 9000 साल पहले चीन की याक्जी घाटी में मानते हैं।
यहाँ से आने वाली धान की किस्म को जपोनिका कहा जाता है, जो बाद में तापमान में गिरावट की वजह से दूसरे इलाकों में फैली और जपोनिका प्रजाति अपनी किस्मों में बदलाव करती गई। इसके अलावा एक किस्म और है इंडिका, जिसके लगभग 4000 साल पहले गंगा की निचली घाटियों में उगाए जाने के सबूत मिलते हैं। शोधकर्ताओं का मानना है कि धान की यह प्रजाति करीब 2000 साल पहले भारत से चीन पहुंची। वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे धान की एक विशेष किस्म कोदो की। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। एक कहावत है, नहाए के बाल और खाए के गाल अलग नजर आते हैं। बुजुर्गों की इस बात में एक गहरी सीख है कि जैसा आपका खान पान होता है वैसे ही आपके चेहरे की चमक होती है। वैज्ञानिकों ने 100 पौष्टिक खानों की एक सूची तैयार की, जिसे पौष्टिकता के लिहाज से खजाना कह सकते हैं। इसी में एक है कोदो। तो इस तरह से कोदो पर भी कहावत है कि सगमन सराई दहिमन राना 80 वर्ष न हुए पुराना, जो 80 वर्ष हमने बताया तो उसमें है। तो राना, ये जो राना माने अनाजों का राजा, तो कोदो अनाजों का राजा है जो 80 वर्ष तक खराब नहीं होता। उसमें ये भी विशेषता थी कि आप इतना सबको दही खा लीजिए चावल उसका, तो पूरा दिन भर आपको मजबूती प्रदान करेगा, इससे ज़्यादा खाया ही नहीं सकता था कोई। उसमें ये भी शर्त थी कि वो सूखा खाया भी नहीं जा सकता था उसका चावल या रोटी, दो हिस्सा उसमें सब्जी चाहिए। और जब दो हिस्सा सब्जी आप खाएंगे, दाल खाएंगे, दूध मट्ठा खाएंगे, तो स्वाभाविक है कि अधिक पोषक तत्व मिलेगा। कोदो एकमात्र ऐसा चावल है जिसे शुगर फ्री चावल कहा जाता है। इसका पौधा धान के पौधे की तरह ही होता है, लेकिन इसकी खेती में पानी की जरूरत बेहद कम होती है। इसके बीज चमकीले गहरे बैंगनी रंग के छोटे सफेद गोल सरसों के समान होते हैं। भारत में कोदो को ऋषि अन्न का दर्जा मिला हुआ है। गरीबों की फसल कहलाने वाले कोदो की खास बात इसका अनुपजाऊ जमीन में बगैर खाद पानी के पैदा हो जाना है। दक्षिण अफ्रीका में इसे अकाल भोजन के रूप में जाना जाता है। जब कभी अकाल दुर्भिक्ष पड़ता, जब हरित क्रांति ने आई बहुत अकाल पड़ते थे, 3 साल 4 साल में एक साल अकाल का लगभग रहता था। तो वो क्या करते थे कि पलायन न करें लोग, उनकी जनता प्रजा, तो वो कोदो को देते थे, उससे काम लेते थे। तो जैसे मान लीजिए तालाब खुदा दिया, तो तालाब खुदाने का एक पुण्य का काम माना जाता था यहाँ। तो क्या होता था कि यहाँ लगभग जो 600 तालाब हैं उसका श्रेय कोदो को है। कोदो में क्या होता था, अकाल पड़ते तो उनको माने कम लागत में तालाब बन जाता, उनको भोजन के बारे लोग काम करते रहते थे, किसी तरह जीवन बचे। तो ये कोदो का जो है, तो इसको हमारे बाप पुरखों को जीवित रखने का भी बहुत बड़ा श्रेय है। अगर कोदो न होता तो हम लोग आज न होते। कोदो को पकाने से लेकर इसे खाने तक का तरीका आम चावल से अलग होता है, यहाँ तक कि इसकी बहुत कम मात्रा ही पर्याप्त होती है। खीर इतनी अच्छी बनती है कि बहुत अच्छी जी। तो इस तरह से इसके बहुत सारे पदार्थ बनते हैं, जैसे ये चावल बन गया, इसी की रोटी हो जाती है। रोटी क्या किया कि अपना हल्का फुल्का दर लिया कोनाइता में जी। और कूटना नहीं पड़ता उसको, सीधे चक्की में पीस लिया तो उसकी रोटी बन गई। एक इसी की भागर बनती है। भागर जो है तो गरीबों का भोजन है। अब जैसे गरीब आदमी, वो कहाँ कूटता रहे बेचारा, महिलाओं को समय नहीं मजदूरी करने जाना या कहीं काम घर की खेती में जाना, तो बस यही स्थिति में वो क्या करती थी कि उसको रांध लेती थी, इसी तरह धो लिया रांध लिया, तो वो कहला गई भागर। मतलब
आध कूटा मतलब आध माने छिलका निकला चावल वो भगर बन गया, ये किसी की तेलिहाई भगर बन जाती थी। खास बात यह है कि कोदो जैसी न जाने कितनी किस्में हैं जो औषधीय लिहाज से हमारी सेहत के लिए बेहद गुणकारी होती है, लेकिन रासायनिक इस्तेमाल से हमने अपने खेतों में जहर बो दिया है। पहले देखिए जब हरित क्रांति आई 70 के दशक में तो पहले तीन चीजें ही थी जी। तीन चीजें पर वो टिकी थी। पहला था कि माने उन्नत किस्म का बीज हो जो बाहर से आता था, दूसरा रासायनिक खाद, तीसरा सिंचाई। तो उसमें क्या है कि उसका तना बौना होता है, तो जब बौना होता है तो उसमें क्या हुआ कि घास तीन स्टेज में घास जमती, जैसे अभी एक जमी है ना, इसके बाद भी जमेगी जब ये उखड़ जाएगी, अभी उखड़वा लेंगे 2-4 दिन में, तो ऐसे धान में भी जमती है। तो उसमें क्या होता है कि वो जो बौना होता था तो उसको जल्दी से घास दबा लेती थी। तो लीजिए बाजार में फिर आ गई उसके लिए निदानाशक आ गया, उसको निदानाशक को छिड़किए तो एक जहर तो पहले से था रासायनिक खाद का, दूसरा आ गया निदानाशक हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि जब उसमें रासायनिक खाद पड़ती है कोई चीज़ में, देखिए इसमें रासायनिक खाद नहीं पड़ी तो हरापन ज़्यादा नहीं है, इसमें पीलापना है। अगर इसमें रासायनिक खाद डाल देते, मान लीजिए यूरिया डाल देते, तो बिल्कुल गहरा हरा हो जाता। तो जितने कीट दुनिया भर हैं वो सब इसमें आ जाते। तो जब कीट आ गए उसके हरापन के कारण और उसको नुकसान करने लगे तो फिर वो कीटनाशक डाला जाने लगे। तो ये हो गए तीन तरह के जहर हो गए, तो वो खाने के लिए बचा ही नहीं ना। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपको खिलाएंगे समक की खीर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा, देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। जिस तरह कोदो के चावल एक विशेष महत्व रखते हैं, उसी तरह एक चावल है समक। समक का चावल खाने में बेहद हल्का होता है, इसलिए पूर्वजों ने इसे व्रत के भोजन के तौर पर अपनाया। वहीं इसमें फाइबर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिसमें भूख भी कम लगती है और यह वजन भी नहीं बढ़ने देता। समक के चावल को संस्कृत में श्रामक, गुजराती में सामो या मोरियो, मराठी में भगर और वरी, हिंदी में मोरधन, बंगाली में इसे श्यामा और कई जगह पर समक के चावल भी कहा जाता है। इसी समक के चावल के एक मीठे स्वाद की तलाश में हम आ पहुंचे हैं मध्य प्रदेश के रीवा। रीवा चावल के पूर्वजों की नगरी है, इसका मतलब यह है कि यहाँ धान की वो किस्में पाई जाती हैं जो देश के बाकी हिस्सों में किताबों में दर्ज हो चुकी है। उसी में एक चावल है समक का चावल। आज हमारे साथ अमृता मिश्रा हैं जो हमारे लिए समक के चावल की खीर बनाएंगी। तो इस समक के चावल की खीर ही क्यों बनती है, इसका पुलाव क्यों नहीं बन जाता इसका? क्योंकि ये बहुत सामा का चावल वैसे नॉर्मल चावल से बहुत छोटा होता है, इसकी किस्म बहुत छोटी होती है, इसलिए इसका पुलाव नहीं बनाते हैं हम लोग, और खीर ही बनाते हैं। इसको खास तौर पे उसमें उपवास के समय भी खास तौर पे उपवास में इसका प्रयोग किया जाता है, और आप नॉर्मल भी मतलब सामान्य तौर पे भी आप इसकी खीर खा सकते हैं अगर व्रत नहीं है तो। तो शुरू करते हैं, क्या करेंगे पहले? सबसे पहले सामा का चावल जो है उसको लेके उसको धो लेंगे और उसको कटोरी में रख लेंगे धो के, थोड़ा देर 10-5 मिनट के लिए। ठीक है, चावल को धो के आपने कटोरी में रख लिया आप उसको धो रहे थे, रखा हुआ था। ठीक है, फिर उसके बाद कढ़ाई में घी डालेंगे और फिर उस चावल को थोड़ा सा भून लेंगे, थोड़ा सा घी डाल के। जब थोड़ा हल्का घी गरम हो जाए उसके बाद चावल डालेंगे। ठीक है, जो हमने चावल धुला हुआ है। ये
थोड़े से जो आपने इस चावल को जो भिगो के रखा है, हाँ, इसको इसमें एक तरह से भुना जाएगा, भुना, हाँ, हल्का भुन के। तो चावल अब गुलाबी दिख रहा है, हाँ, हाँ, हो गया है। अब इसके बाद अगला अगला स्टेप है, इसमें हल्का गरम दूध डालेंगे। दूध आपने जो उबाल के रखा हुआ, हाँ, है वो इसमें डाला जाएगा, हाँ, वो डालेंगे। तो पहली बार में ही पूरा दूध डाल देते हैं? हाँ, चावल जितना दूध डालना है या थोड़ा थोड़ा करके? नहीं, आप पहली बार में ही पूरा दूध डाल दीजिए, और चावल की क्वांटिटी के हिसाब से कितने लोगों को खाना है, कितनी संग, मतलब कितने लोग हैं, उस हिसाब से कितनी कटोरी, अंदाज से, जितना अंदाज समक से, है उतना उसके, हाँ, हिसाब से, उसके हिसाब से आप दूध डालेंगे। दूध डाल जी, दूध डाल, उस हिसाब से दूध डालेंगे। अब ये पकेगा दूध में, हाँ, इसको हल्का गाढ़ा हो जाए जब तक दूध, तब तक इसको चलाते रहना है। सामान्य तौर पे जैसे हम लोग चावल की खीर बनाते हैं घर, हाँ, में उसी तरह से इसको पकाएंगे। हाँ, सामान्य तौर से जैसे आप खीर बनाते हैं आप वैसे ही बना सकते हैं। ठीक है, तो इसको चलाते रहेंगे क्योंकि नीचे जलने ना पाए, इसलिए इसको 10 से 15 मिनट तो चलाना ही पड़ेगा जी। अच्छा, ये नीचे चिपक भी सकता, चिपक भी सकता है, इसलिए इसको चलाना। तो अब ये पर्याप्त है, ये पक चुका है, तो अभी इसमें इलायची आप डाला, अब डालेंगे आप? नहीं, क्या डालेंगे? अब इसमें शक्कर डालेंगे। अच्छा। थोड़ा सा, हाँ, मतलब जितना आपको चाहिए, कुछ लोग कम मीठा भी खाते हैं, कुछ लोग ज्यादा मीठा, मतलब सामान्य रूप सामान्य ही शक्कर डालना है, अंदाज से ही डलेगा ये भी। ठीक है, चीनी जो लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं, हाँ, वो या तो नाम नहीं भी डाले वो, अगर उन्हें नहीं खाना है। इसके बजाय गुड़ या राब या इस तरह का गुड़ डालेंगे? नहीं, गुड़ डालेंगे तो दूध फट जाएगा। अच्छा, गुड़ डालने से फट जाएगा, इसलिए चीनी ही डालना पड़ेगा जी। या तो फिर इसको उतार लें पूरा, उसके बाद गुड़ डालें। ठीक है, तब तो सही रहेगा, पर अगर पहले आप डालेंगे तो फट जाएगा दूध। ठीक है, चीनी हम थोड़ा डाल रहे हैं इसमें। चीनी डालने के बाद भी थोड़ा सा चलाना है, हाँ, क्योंकि वो थोड़ा सा पतला हो जाता है चीनी डालने से दूध, तो थोड़ा सा उसको गाढ़ा करने के लिए थोड़ा सा चलाएंगे। अच्छा, चीनी डाल के पकाएंगे थोड़ा, हाँ, और इसके बाद? इसके बाद बड़ी इलायची है, हाँ, उसको पीस के इसके ऊपर डाल देंगे। बड़ी इलायची क्यों डालते हैं, छोटी इलायची क्यों नहीं डाल देते? वो तो जनरली खीर में छोटी इलायची डाली, हाँ, जाती है, डाली जाती है परंपरागत रूप से, इसमें बड़ी इलायची, हाँ, डालते हैं परंपरागत रूप से। आप नए तौर पे, नए तौर पे तो आप इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, आपको जो जो और भी ऐड करना हो चीजें, सभी प्रकार के ड्राई फ्रूट्स जो 5-6 प्रकार होते हैं वो भी डाल सकते हैं, मखाना, चिरौंजी, हाँ, जो चाहे, और छोटी इलायची भी आप डाल सकते हैं, पर जो परंपरागत खीर है हमारे पूर्वजों के यहाँ से बनते हुए आ रही है, तो उसमें बड़ी इलायची ही डलती है, तो इसलिए हम लोग भी वही डालते हैं। अब नए तौर पे जिसको और नया इसको अलग टेस्ट देना है तो उसमें डाल सकते हैं। अब ये कुछ ऐसे व्यंजन हैं, ये हमारे ये मतलब परंपरागत चले आ रहे हैं जो हमारे पूर्वज से के टाइम से, तो वो आज की पीढ़ी को एक धरोहर के रूप में उसको संभाल के और आगे बढ़ाना जी। तो उसी आप नए नए प्रयोग किए जा सकते हैं इनमें, पर ये है कि अगर हम उसी सेम वही चीज अगर बनाएं तो ज्यादा अच्छा। वास्तव में ये रीवा क्षेत्र में बिंद्र प्रदेश में बड़ी इलायची यहाँ हुआ करती थी, इसलिए परंपरागत रूप से समक की खीर में बड़ी इलायची का ही यूज होता है। अब बेशक इसका उत्पादन थोड़ा कम हो गया है और नए प्रयोगों के तहत जैसे अमृता जी ने कहा कि इलायची और ड्राई फ्रूट वगैरह भी लोग डालने लगे हैं, लेकिन जो बड़ी इलायची है वो समक की खीर को कुछ अलग बनाती है। तो इस खीर को कैसे खाया जाएगा, ऐसे ही खीर जैसे सामान्य तौर पे खीर खाते हैं, इसको खाने का भी कुछ अलग तरीका है? हमारे यहाँ विंध्य क्षेत्र में पूरी होती है, उसको सुहारी बोलते हैं, हाँ, तो हमारे विंध्य क्षेत्र में सुहारी के साथ इस खीर को खाई जाती है। सुहारी कुछ अलग होती है? सुहारी पूरी से बड़ी होती है, साइज थोड़ा सा बड़ा और पतला रहता है, हाँ, उसको पतला बनाते हैं, बेलते हैं, तो उसे सुहारी के साथ खाई जाती है। आप हमको इसको सुहारी के साथ ही परोसेंगी? जी जी, सुहारी के साथ ही। अब इसमें हम बड़ी इलायची डाल रहे हैं। तो अब ये खीर तैयार हो गई है? खीर तैयार हो गई जी। खीर हमारी तैयार हो गई है, हम लोग सुहारी के साथ इस खीर का मजा लेंगे। आप बने रहिए स्वाद सेहत और इंडिया के साथ। इस धरती ने हमें बहुत कुछ दिया है और दे रही है,
बस हमें इतना करना है कि इसकी सेहत को दुरुस्त रखें। हमारी सेहत खुद ब खुद दुरुस्त हो जाएगी। ये तभी होगा जब हम रुक कर एक बार पीछे मुड़कर देखें और बुजुर्गों के तौर तरीकों और उनके खान पान को अपनाएं। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी खास जगह पर किसी खास स्वाद की तलाश में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।